आप जो कप्तान साहब से जो मिले, किस संबंध में मिले? देखो, मैं एक पत्रकार हूँ, बुलंद पत्रकार एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और दैनिक अयोध्या टाइम्स हिंदी समाचार पत्र का सहारनपुर मंडल ब्यूरो चीफ हूँ और सुनो जनता की आवाज़ न्यूज वेब पोर्टल का मुख्य संपादक भी हूँ। हमारा काम पत्रकारिता करना है निष्पक्षता के साथ। नशे के खिलाफ हमारी खबरें चलती हैं। यहाँ थाना कुतुबशहर क्षेत्र में एक हबीबगढ़ पड़ता है, जहाँ पर एक सतीश कुमार नाम का दबंग व्यक्ति है जिसकी आपराधिक छवि है। अगर रिकॉर्ड उसका थाना कोतवाली देहात या थाना कुतुबशहर से लिया जाए तो 2008 के लगभग भी उन्होंने एक अपने ही समाज के, अपने ही गांव के ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति की सरेआम दिन दहाड़े हत्या की थी। उसमें वो जेल भी रह गए। 307 जैसे मुकदमों के भी अपराधी रहे हैं। दबंग किस्म का रिकॉर्ड उनका थानों में मौजूद है और वो अक्सर गलत लोगों की सपोर्ट में खड़े रहते हैं। हम जब पत्रकारिता करते हैं, हम नशे के खिलाफ खबरें चलाते हैं, बस यही चीज़ उसको हजम नहीं होती और वो लगातार मुझ पर हमला करने की साजिश रचता रहता है। कभी किसी को मेरे पीछे लगाता है, कभी झगड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं कानून की इज्जत करता हूँ, कानून के मानने वाला हूँ, मैं झगड़ा नहीं करता। मेरा रिकॉर्ड है, अगर आप दौरा करोगे कॉलोनी का भी तो शायद कोई आपको ये कह दे कि गुफरान मलिक को कहीं लड़ते हुए देखा है। तो नज़रअंदाज करते हुए हम आ रहे, लेकिन 21 तारीख को इरफान चिकन सेंटर है यहाँ पर शहादत की चौकी के पास थाना मंडी क्षेत्र में। मैं वहाँ पर इरफान चिकन सेंटर पे खाना लेने के लिए गया और वो वहाँ पर बैठा हुआ एक अपने सहयोगी के साथ खाना खा रहा था। उसने वहाँ मुझे देखते ही गाली गलौच इस तरीके से करनी, टिप्पणी करनी शुरू की है, ताकि वहाँ किसी को पता भी नहीं चला कि कह किसको रहा है। ऐसा लग रहा था आपस में बात कर रहे। मैं वहाँ खामोशी के साथ बैठा रहा तो वो खाने का पेमेंट करने के बाद मेरा बाहर निकलने का इंतज़ार करते रहे। पूरे मूड में था मुझ पर हमला करने का, मैं निकला नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंस्पेक्टर को अगर मैं फ़ोन करूँ तो ये मेरे कान पे फ़ोन लगा, देख यहाँ से निकल लेगा। तो मैंने 2-3 जिम्मेदार लोगों को फ़ोन किया, जिसमें एक व्यापार मंडल के ज़िला अध्यक्ष हैं काजी यूनुस सिद्दीकी, एक हाजी जिशान है वहीं हबीबगढ़ से ही, वो भी उनको भी फ़ोन किया मैंने। अपने 2 पत्रकारों को फ़ोन किया, अकबर भाई रजाली जाफरी को फ़ोन किया मैंने। तो जब उसने मेरे कान पे फ़ोन लगा देखा, वो वहाँ से निकल गया गाली दे के तो यहाँ से उठ ही नहीं रहा। तो जब हमारे पत्रकार साथी भी आ गए और जिम्मेदार लोग आ गए, हमने थाना मंडी में जाकर तत्काल उसकी सूचना HSO को दी और हमने लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया। और आज कप्तान साहब के यहाँ आए थे हम, बुलंद पत्रकार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल साथ में था और हमने कप्तान साहब को पूरे मामले से अवगत कराया है, क्योंकि हम पत्रकार हैं, कवरेज के लिए किधर भी निकल जाते हैं और जिसकी नियत हमला करने की हो रही तो उससे सावधान रहना ज़रूरी हो। 2014 में भी एक दंगे की आड़ में 2 गोली मारी गई थी मेरे, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी बख्शी कि आज मैं आप लोगों के बीच हूँ, फिर लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। इसमें इमरान मसूद नकुड़ विधानसभा से भाजपा विधायक मुकेश चौधरी भी गवाह है। मुकेश चौधरी मुझे अपनी कार में डाल के हॉस्पिटल तक ले गए थे 2014 में, उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि मैं जिंदा किस तरह हूँ। इस प्रकार से गोली मारी गई थी दबंगों द्वारा और अब फिर से उसी घटना को दोहराने की कोशिश मेरे साथ की गई है। इसलिए इस पूरे मामले से मैंने कप्तान साहब को, डॉक्टर विपिन तांडा जी को अवगत कराया है और मुझे उम्मीद है कप्तान साहब जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ और खासकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं कि वो इस दबंग सतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हमारी जान की हिफाजत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।